हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी ठीक होंगे फिट होंगे फाइन होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे तो आज हम ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है डिटर्मिनर्स ओके okay. तो डिटर्मिनर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में यूजली जो है इससे क्वेश्चनस पूछे जाते हैं सो so, डिटमिनर्स होते क्या हैं Determiner is a word used before a noun to indicate which things or people we are talking about. The words like a, the, my, this, some, many, etc. are called determiners. So, determiners kya hota Ye hai. ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करने का काम करते हैं ये बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन की संख्या कितनी है ठीक है उनकी क्वालिटी कैसी है वो किस से बिलोंग करते हैं ठीक है तो ये जो है कहीं ना कहीं नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहे हैं ठीक है तो डिटर्मिनर्स की डेफ़िनेशन को आप जनरली समझो कि डिटर्मिनर्स होते क्या है ये ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करने का काम करते हैं जैसे ही इज अ गुड बॉय ठीक है यहां पे को अ जो है वो डिटर्मिनर है वैसे ही द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड यहाँ पे को माय जो है वो क्या है डिटर्मिनर है दिस नावल इज वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज अ डिटर्मिनर तो डिटर्मिनर कुछ भी हो सकते हैं दैट कुड बी एडजेक्टिव्स दैट कुड बी प्रोनाउन ठीक है और ये क्या करते हैं नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करने का काम करते हैं ओके सो नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स हमारे पास कितने टाइप के डिटर्मिनर्स हैं वी हैव

और आज के वीडियो में हम देखेंगे प्री डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स को सो so, सबसे पहले आते हैं प्री डिटर्मिनर्स नाम से ही पता चल रहा है प्री यानी डिटर्मिनर्स के पहले लगने वाले वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो डिटर्मिनर से पहले यूज होते हैं ठीक है तो इसमें जो है एक मेन डिटर्मिनर होगा और एक प्री डिटर्मिनर होगा ठीक है ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है एक मेन डिटर्मिनर होता है और एक प्री डिटर्मिनर होता है एग्जाम्पल देखो ऑल द बॉयज ज्वाइन द रेस ठीक है तो यहाँ जो है ऑल जो है वो प्री डिटर्मिनर है द जो है वो मेन डिटर्मिनर है क्योंकि ये किससे पहले आ रहा है बॉयज से पहले बॉयज हमारी मेन नाउन है अगले सेंटेंस में भी ऑल जो है वो प्री डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में ही ड्रेंक हाफ ऑफ द मिल्क हाफ ऑफ जो है यहाँ पे को प्री डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है और द जो है यहाँ मेन डिटर्मिनर है तो प्री डिटर्मिनर ज़्यादातर समय में किसके साथ यूज़ होते हैं द के साथ ही यूज़ होते हैं इसके अलावा दिस के साथ दैट के साथ दोस्त के साथ दिस के साथ भी इनका यूज़ होता है ओके okay. तो प्री डिटर्मिनर्स तो बहुत इजी हैं ये डिटर्मिनर्स जो आपका मेन डिटर्मिनर है जो आपके नाउन से जस्ट पहले यूज़ हुआ होगा ठीक है आ, उससे पहले यूज़ होंगे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लोगे ठीक है नाउन के जस्ट पहले होगा आपका मेन डिटर्मिनर और उससे पहले होगा प्री डिटर्मिनर अगर आपके सेंटेंस में प्री का यूज़ हुआ हो तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज़ प्री डिटर्मिनर इन ऑल दी सेंटेंसेस ओके

an or the. Okay, there are three examples of it a, an and the. So, we think of noun in a specific or general way. When we refer to a particular people or thing or something that has already been mentioned or can be understood, we used the definite article the. And, when we refer to a singular noun for the first time or refer to things in general way, वी यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन सो आर्टिकल जो है इंग्लिश जो आपकी ग्रामर है उसका एक सिस्टम है ठीक है ये जो है दो प्रकार के होते हैं पहला है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट का एग्जाम्पल है दी ठीक है एक ही होता है डेफिनेट आर्टिकल वो है दी और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल आपके दो होते हैं कौन कौन से होते हैं ए एंड एन ओके सो जब आप की नाउन जो है वो स्पेसिफिक होती है ठीक है स्पेसिफ़िक मतलब एक पर्टिकुलर पीपल की अगर आप बात कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हो या फिर बहुत ही फेमस व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हो तब आर्टिकल दी का आप यूज़ करते हो ठीक है और जब आप सिंगुलर नाउंस के साथ सिंगुलर नाउन डेट विच आर नॉट वेरी स्पेसिफिक विच आर नॉट वेरी पॉपुलर उनके साथ आप आर्टिकल ए, एंड एन का यूज़ करोगे ओके okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल डी डेफिनेट आर्टिकल डी का आप यूज़ कहाँ कहाँ करते हो ठीक है सो इट इज़ यूज बिफोर एनी कॉमन नाउन जहाँ पे को आप कॉमन नाउन की बात करते हैं कॉमन नाउन क्या बताती है कॉमन नेम के बारे में बताती है किसी चीज़ के ठीक है जैसे रिवर है चेयर है फर्नीचर है स्टेशनरी है तो इन इनके आगे आप क्या यूज़ करोगे द का यूज़ करोगे जैसे ही थ्रू द बॉल इन टू द रिवर रिवर कोई भी हो सकती है ये कॉमन नेम है ठीक है अगर इसका जो प्रॉपर नेम होता है तो क्या होता गंगा हो सकता था यमुना हो सकता था ब्रह्मपुत्र हो सकता था ठीक है तो आप जब कॉमन नाउन की बातें करते हो तब आप हमेशा आर्टिकल दी का यूज़ करते हो ठीक है अब उसके बाद है दूसरा यूज है इट इज़ यूज विद द स्पेसिफिक पर्सन और थिंग ये जो है स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ यूज़ होती है ठीक है आ जैसे एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल इन द स्कूल तो द प्रिंसिपल इज़ द स्पेसिफिक पर्सन इन द स्कूल स्कूल में जो सबसे स्पेसिफिक पर्सन है वो कौन है प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के आगे आप हमेशा क्या यूज़ करते हो दी यूज़ करते हो आप दी टीचर यूज़ नहीं करते हो ठीक है द टूरज क्रॉस द रिवर इन अ बोट ठीक है यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्सन कौन है टूरिस्ट हैं ठीक है तो टूरिस्ट के आगे भी आप दी का यूज़ करोगे दैन The definite article 'the' is used to refer to the things that are only one in the world, ऐसी वस्तुएं हैं जो दुनिया में एक हैं केवल सिंगल हैं ठीक सिंगल पीसेस हैं दुनिया में उनके साथ आप आर्टिकल दी का यूज़ करते हो जैसे द मून एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई ठीक है मून इज स्पेसिफिक नो मून जो है वो एक है तो मून के साथ आपने द का यूज़ किया स्टार्स आर मैनी ठीक है स्टार्स के साथ आप द का यूज़ नहीं करोगे अब अगर स्टार का आप पर्टिकुलर नाम दे तो ठीक सन इज़ अ स्टार सन जो है क्या है स्टार है तो बट सन जो है एक सिंगल स्टार है अपने टाइप का तो सन के साथ आप क्या यूज़ करोगे द सन सेट्स इन द वेस्ट वैसे ही अर्थ इज स्पेसिफिक अर्थ भी दुनिया में एक ही है पूरे यूनिवर्स में एक ही है तो आप यूज़ करोगे द अर्थ रिवॉल्वस राउंड सन ठीक है ताजमहल है द ताजमहल ठीक है द वॉल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ठीक है द बुर्ज खलीफा ठीक जो अपने आप में एक स्पेसिफिक है दुनिया में सिंगल पीसेज हैं उनके साथ आप द का यूज़ करते हो फिर है इट इज़ आल्सो यूज्ड विद द दर्ड सच एज स्कूल यूनिवर्सिटी प्रिजन ठीक है तो आप अगर कभी कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हो पर्टिकुलर बिल्डिंग आपने नाम मेंशन नहीं किया उस बिल्डिंग का अगर उस बिल्डिंग का आप नाम मेंशन कर दे रहे हो तो आप द का यूज़ नहीं करोगे ठीक है बट अगर आप कॉमनली उस बिल्डिंग को बोल रहे हो जैसे कोई बिल्डिंग है स्कूल की बिल्डिंग है आप द स्कूल यूज़ करोगे हॉस्पिटल द हॉस्पिटल ठीक है अगर आप हॉस्पिटल का नाम ले रहे हो तो आप द का यूज़ नहीं करोगे अगर कॉमनली आप कह रहे हो द हॉस्पिटल द बैंक ठीक है द प्रिजन द पोलिस स्टेशन द स्कूल द कॉलेज द यूनिवर्सिटी ठीक यहाँ पे को आप द का यूज करोगे एग्जाम्पल है दे विल विजिट द स्कूल ऑन मंडे एक और एग्जाम्पल देखो आई हिम इन द यूनिवर्सिटी ओके नेक्स्ट है The definite article may be used with the countable noun that are used in the singular to refer to the things in more general. ठीक है तो डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ आप कहाँ पे को करते हो कुछ काउंटेबल नाउन के साथ करते हो जो दिखती तो बहुत सारी हैं। ठीक होती है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है मगर जब आप उनको ऑल टोटल एक वर्ड के रूप में बनाते हो तो वो केवल एक सिंगल वर्ड निकलता है उसे ठीक है जैसे इफ़ यू ब्रेक द लॉ ठीक देर आर प्लेंटी ऑफ द लॉज ठीक बहुत सारे लॉज हैं ठीक कौन सा लॉ है हमें नहीं पता हम यहाँ पे को उसे एक कॉमन नाम दे रहे हैं द लॉ ठीक तो यहाँ पे को आप द का यूज़ करोगे ठीक देन बॉडी पार्ट्स के साथ भी आप द का यूज़ करते हो जैसे द लंग्स होता है द नेक होता है द राइट आई द लेफ्ट आई द राइट हैंड द लेफ्ट हैंड द फीट द टंग द टीथ ठीक है तो इनके साथ आप द का यूज़ करोगे बॉडी पार्ट्स के साथ हमेशा द का यूज़ होता है और टाइम एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए भी आप द का यूज़ करते हो ठीक है टाइम एक्सप्रेशन लाइक द मॉर्निंग द इवनिंग द नाइट द आफ्टरनून ठीक है इनके साथ आप द का यूज करोगे और आप जो है द का यूज़ करोगे द थिंग्स द थिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड ठीक है जैसे आई मेट अ मैन एट दी स्टेशन ठीक है नेक्स्ट है ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट है द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन दैट फॉलोज बाय रिलेटिव क्लॉज है ना और अ प्रोपोर्शनल फ्रेज हाँ ये इम्पोर्टेंट है द का यूज़ आप कहाँ पे को करते हो जहाँ आपकी नाउन जो है उसको फॉलो करता है एक रिलेटिव क्लॉज या प्रिपोजिशनल फ्रेज प्रिपोजिशनल फ्रेज मतलब ऐसा फ्रेज जिसमें प्रिपोजिशन हो ओके okay. एग्जाम्पल देखो द मैन ठीक द मैन आपका जो है इट्स अ वर्ड और उसके बाद आ रहा है एक क्लॉज एक पूरा क्लॉज आ रहा है देखो आई मेट एट द स्टेशन बिलोंग टू द हरियाणा ठीक तो यहाँ पे कोई द मैन जो है एक सेपरेट नाउन है मैन जो है एक सेपरेट नाउन है तो मैन को हमने हाईलाइट करने के लिए द का यूज़ किया ठीक है इट्स नॉट अ कम्प्लीट सेंटेंस नो द मैन कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ये केवल एक शब्द है ठीक तो अगर आपकी जो नाउन है उसके जस्ट बाद आ रहा है एक क्लॉज या फिर एक फ्रेज तो आप जो है उस नाउन से पहले द का यूज़ करोगे ठीक है अब देखो द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज टू रिफ़र द फैमिलियर थिंग्स वी यूज़ रेगुलरली ठीक तो हम जो अपनी डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ करते रेगुलरली अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करें तो उसके साथ भी आप द का यूज़ करते हो आर्टिकल द का यूज़ वहाँ भी होता है जैसे शी शिलुकड एट द सीलिंग सीलिंग आप रोज़ देखते हो अपने घर की ठीक है सडनली द लाइट्स वेंट आउट लाइट्स एवरी डे यूज़ होती है ना हमारे घर में ठीक है द फैन द फ्रिज द स्टोव द बेड ओके देन इलेवन इट इज़ यूज बिफोर डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम तो द का यूज़ आप डेट्स से पहले और पीरियड ऑफ टाइम से पहले करते हो पीरियड ऑफ टाइम मतलब अगर आप किसी ईयर की बात कर रहे हो ठीक है तो डेट तो आपको पता है द द एट ऑफ अगस्त द फर्स्ट ऑफ़ जनवरी ठीक है यहाँ आपने द का यूज़ करना है वैसे ही पीरियड ऑफ टाइम लाइक द नाइनटीन फोटीज़ द नाइनटीन फिफ्टीज़ द टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है तो आप यहाँ भी द का यूज़ करोगे फिर है इट इज़ जनरली यूज बिफोर ए नाउन विच इज़ फॉलोड बाय ऑफ ठीक है तो अगर आपकी नाउन से पहले क्या आ रहा है ऑफ आ रहा है ठीक है आपकी नाउन से पहले क्या आ रहा है ऑफ आ रहा है तो आप आर्टिकल द यूज करोगे अपनी नाउन से पहले ठीक है जैसे दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ होल विलेज है ना होल विलेज आपकी नाउन है तो इससे पहले आप क्या यूज कर रहे हो द का यूज कर रहे हो देन थर्टीनथ है द डैफिनेट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सीज रिवर डिज़र्ट एंड माउंटेन्स तो सीज के नाम से पहले रिवर्स के नाम से पहले डेजर्ट्स के नाम से पहले और माउंटेन्स के नाम से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हो जैसे द पैसेफिक ओशन द बैंक्स ऑफ यमुना द बैंक्स ऑफ गंगा द गंगा द ब्रह्मपुत्रा ठीक है द सहारा दार द हिमालयाज़ द एंडीज ठीक है तो ये जो है माउंटेन के नेम सीज़ के नेम रिवर्स के नेम डेज़र्ट के नेम से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे एक और बात अपने माइंड में रखना कि कभी भी माउंटेन पीक से पहले द का यूज़ नहीं होता है ठीक है और जो द का यूज़ है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ नाम से पहले भी होता है ठीक है जैसे द ताजमहल द टाउन हॉल ठीक है द म्यूज़ियम इनसे पहले भी आप द का यूज़ करोगे सो आर्टिकल द का यूज़ जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले भी होता है सुपरलेटिव जहाँ पे को आप एडजेक्टिव का यूज़ करोगे वहाँ आर्टिकल द का यूज़ करोगे जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास ठीक है द बेस्ट बॉय सुपरलेटिव है ना बेस्ट तो बेस्ट से पहले आपने क्या किया द का यूज़ किया शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास या फिर इन द स्कूल तो मोस्ट ब्यूटिफुल इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव तो इससे पहले भी आप द का यूज़ करोगे फिर है आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर एडजैक्टिव सच एज रिच पुअर डेफ डम ब्लाइंड ठीक है अगर आप इनको नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो इन एडजेक्टिव्स को आप एज अ नाउन यूज़ कर रहे हो ठीक एज अ नाउन की तरह अगर आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो तो आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे अगर आप इनको एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो नहीं करोगे द का यूज़ अगर आप एज ए नाउन इनको यूज़ कर रहे हो तो आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे एग्जाम्पल देखो द रिच एंड द पुअर वेंट टू द फेयर यहाँ रिच और पुअर जो है नाउन की तरह यूज़ हुए हैं वी शुड हेल्प द ब्लाइंड यहाँ जो ब्लाइंड है वो भी नाउन की तरह यूज़ हुआ है देन वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नेश ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट्स ठीक है किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोगों के नाम से पहले उनके उनमें रहने वाले सिटीजन्स के नाम से पहले आप जो हैं आर्टिकल द का यूज़ करोगे जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है इंडियंस कहा जाता है तो आप इंडियन से पहले हमेशा द का यूज़ करोगे पाकिस्तान में रहने वालों को क्या कहते हो आप पाकिस्तानी कहते हो ठीक है तो आप पाकिस्तानी से पहले जो है दी का यूज़ करोगे दी पाकिस्तानीज़ हो जाएगा ठीक है एशिया में रहने वाले एशियंस द एशियंस ओके नाउ लास्ट है डेफिनेट आर्टिकल का यूज देखो ट्रेनस और शिप्स के नाम से पहले भी आप दी का यूज़ करते हो जैसे द टाइटैनिक ठीक है द राजधानी एक्सप्रेस द क्वीन एलिजाबेथ ठीक और कौन सी हैं हमारी ट्रेन्स बहुत सारी है ना ठीक दी शताब्दी एक्सप्रेस तो ट्रेन के नाम से पहले और शिप्स के नाम से पहले आप हमेशा आर्टिकल दी का यूज करते हो ओके okay? सो so, आप देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स को इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज यू नो दैट देर आर टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स फर्स्ट इज आर्टिकल ए एंड द सेकेंड वन इज आर्टिकल एन बहुत ईजी है इनको समझना ठीक है और आप लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में करते हो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के यूज़ में सो आर्टिकल ए इज यूज बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद कॉन्ज़ोनेंट साउंड एंड एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद द वावल साउंड हाव एवर सम वर्ड स्टार्ट विद द वावल लेटर बट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड सो वी यूज़ द आर्टिकल ए बिफोर दी वर्ड्स नाउ पहला ही पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है आप लोग क्या करते हो आप लोग जस्ट देखते हो कि अगर कोई स्पेलिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है तो आप आर्टिकल ए लिख देते हो अगर कोई स्पेलिंग जो है वावल से शुरू हो रही है तो आप आर्टिकल एन लिख देते हो ऐसा नहीं करते हैं ठीक है वो गलत हो जाता है आपको पता है ना वावल्स क्या होते हैं वावल्स होते ए ई, आई ओ यू वावल्स को हिंदी में कहा जाता है स्वर ठीक अब हिंदी में स्वर कौन से ओ से लेकर अह तक तो आप सबसे पहले क्या करोगे आर्टिकल को लिखने से पहले आर्टिकल एन का यूज़ करने से पहले ठीक पहले मैं आर्टिकल एन की बात कर रहा हूँ अगर आपको आर्टिकल एन का यूज़ करना है तो आपको जो है सबसे पहले वर्ड्स को बोलना है जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसको आप क्या करोगे बोलोगे अगर वो वर्ड जो है बोलते समय स्टार्टिंग वाला जो उसका वर्ड है अ से लेकर अह तक आ रहा है ठीक है जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है यू से शुरू हो रही है ना अब साउंड क्या कर रहा है अमरेला अ कर रहा है ठीक है स्वर कर रहा है ना अ से लेकर अह तक ही साउंड कर रहा है तो आप क्या यूज़ करोगे आर्टिकल एन का यूज़ करोगे ठीक है वैसे ही अगर आपके शब्द जो है कौ से लेकर ग्यों तक साउंड कर रहे हैं तो आप आर्टिकल ए का यूज़ करोगे ओके ही अब एग्जाम्पल देखो यूरोपियन ई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है साउंड क्या कर रहा है यू यो यो कहाँ से आते कहाँ आता है कौ से लेकर ग्यों तक आता है ना तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे ए यूज़ करोगे यूनिक ठीक स्पेलिंग जो है यू से शुरू हो रही है बट आर्टिकल ए का यूज़ कर रहे हो आप वन व भी कौ से लेकर ग्यों तक ही आ रहा है ठीक है यूनिवर्सिटी ठीक यहाँ पे को भी आप आर्टिकल ए का यूज़ करोगे तो आपको जो है शब्दों को पहचानना है ठीक है ऑरेंज देखो ऑरेंज ओ ओ में क्या लगेगा एन लगेगा इंडियन ई स्वर है ना तो आप क्या यूज करोगे एन अम्ब्रेला मैंने आपको बता दिया है अब देखो कुछ वर्ड्स जो है वो उनका पहला जो वर्ड होता है पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो साइलेंट होता है जैसे ऑनेस्ट है ऑनेस्ट को हम दूसरी वाली ठीक दूसरा जो वर्ड है उससे स्टार्ट करते हैं उसकी स्पेलिंग को पढ़ना ठीक ऑनेस्ट ओ जो है स्वर है तो आप आर्टिकल एन का यूज़ करोगे एयर एयर मतलब क्या होता है उत्तराधिकारी ठीक है तो आप इसको हेयर नहीं पढ़ते इसको क्या पढ़ोगे एयर पढ़ोगे ए एक इसमें आ रहा है स्वर में आ रहा है तो आप आर्टिकल एन का यूज़ करोगे आवर आवर ठीक आ आ जो है स्वर है आर्टिकल एन का यूज़ करोगे ठीक है अगला जो फोर्थ रूल है ए और एन का यूज़ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है सिंपल सी बात है अगर सिंगल होगा कोई चीज़ तभी आप आर्टिकल ए और एन का यूज़ करोगे अगर वो प्लूरल होता है तो आप आर्टिकल एन ए और एन का यूज़ नहीं करोगे प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन ठीक प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन आपको पता है काम किसी व्यक्ति का जो काम होता है उससे पहले भी आप ए और एन का यूज़ करोगे जैसे हिज फादर इज एन आर्मी मैन ठीक है हिज फादर इज़ एन इंजीनियर ही इज़ अ पायलट ही इज़ अ टीचर ठीक है अब देखो नेक्स्ट है

जो वर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे अ लिटिल और अ फ्यू और दोनों की मीनिंग जो है बदल जाती है लिटिल जो है वो आप काउंटेबल के साथ यूज़ करते हो सॉरी अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हो और फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज़ करते हो जहां आप चीज़ों को काउंट कर सकते हो अब जो है अ लिटिल का मतलब क्या होता है फ्यू का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो देखते हैं फ्यू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं कुछ लोग ठीक है कुछ फ्यू मतलब होता है कुछ और अ फ्यू का मतलब होता है बहुत कम संख्या में ठीक वैसे ही लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बहुत ज़्यादा नहीं लिटिल का मतलब होता है कुछ ठीक है फ्यू का मतलब अ फ्यू का और लिटिल का मतलब जो है दोनों का क्या है कुछ है ठीक है अब जो है नेक्स्ट है अ और एन जो है बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज इसका यूज़ जो है ए और एन का यूज़ आप करते हो एडजेक्टिव से पहले कोई किसी भी नाउन फ्रेज में जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल ठीक है एडजेक्टिव इन अ गुड गुड से पहले आप ए का यूज़ करते हो शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है इंटरेस्टिंग से पहले आपने आर्टिकल एन का यूज़ किया ओके नाओ नेक्स्ट इज़ आर्टिकल एन का यूज़ होता है एबीवे बिगनिंग विद द फॉलोइंग लेटर एब्रीवेशन आपको पता है ना किसी भी स्पेलिंग का शॉर्ट फॉर्म अग तो आप जो है एब्रीवेशन में जो है फिर से वही शब्दों को प्रोनाउंस करना है और जो भी वो साउंड करेंगे जैसा भी वो साउंड करेंगे उसी के हिसाब से आप आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज़ करोगे जैसे एम पी स्पेलिंग है एम एम जो है कॉन्सोनेंट होता है बट वो साउंड क्या कर रहा है वावल कर रहा है एम स्वर कर रहा ना ए ठीक है तो आप क्या यूज़ करोगे आर्टिकल एन का यूज़ करोगे एस पी एस एस ठीक ए एस एस ना ए ठीक तो आप आर्टिकल एन का यूज़ करोगे ठीक है तो आप इस इन वर्ड्स को भी बोलोगे और बोलने के बाद आप पहचानोगे कि वो उसमें जो है आर्टिकल ए यूज़ हो रहा है या एन यूज़ हो रहा है अगर वावल साउंड कर रहा है तो आर्टिकल एन का यूज़ करोगे अगर कॉन्सोनेट साउंड कर रहा है तो आर्टिकल ए का यूज़ करोगे नाउ अब जो है लास्ट है लास्ट पॉइंट है वी यूज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर बिफोर सर्टेन नाउंस कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट ठीक है अगर दो या दो से चीज़ों को एक ही यूनिट माना जाता है एक ही चीज़ की तरह अगर हम ट्रीट करते हैं ठीक है तो आप आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हो जैसे शी बॉट अ नाइफ एंड एंड फोक नाइफ एंड फोक को हम एक पेयर की तरह यूज़ कर रहे एक ही चीज़ की तरह यूज़ करें तो हमने आर्टिकल ए का यूज़ जो है एक ही बार किया द ओल्ड लेडी हैड अ कप एंड अ सॉसर इन हर हैंड या कप एंड सॉसर को भी आप एक ही वस्तु की तरह यूज़ कर रहे हो तो आर्टिकल ए का यूज़ किया आपने तो ये है हमारे आर्टिकल्स ओके okay, तो डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाकी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हैव अ ग्रेट डे हेड